दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए कि छोटी सी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल में क्यों जाएं। पंजाब में हमने अभी 6 महीने हुए नहीं, 75 में आजादी दिवस पे 75 आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले हैं। 90% लोग वहीं से दवाई लेके घर वापस जा रहे हैं, बड़े अस्पतालों में नहीं जा रहे। डिप्रेशन की दवाई है, खांसी बुखार की दवाई है, ब्लड प्रेशर का मरीज है कोई, 100 के करीब उनके ब्लड टेस्ट होते हैं वहां पे, एक डॉक्टर बैठा है, फार्मासिस्ट बैठा है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है और दवाई बिल्कुल मुफ्त। अभी हमारे यहां 10 दिन, अभी 15 अगस्त को खुले थे, आज 25 है, 10 दिन में जो हमारा रिकॉर्ड है, पहले दिन सिर्फ 1500 थे क्योंकि उस दिन खुले थे, उसके बाद 3500, उसके बाद 4500, 5000, 5700, 6000, अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। हमें 2 शिफ्टों में चलाने पड़ेंगे ये मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि लोग कहते हैं जी पहली बार हुआ है किसी ने हमारी सेहत के बारे में भी सोचा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए कि छोटी सी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल में क्यों जाएं। पंजाब में हमने अभी 6 महीने हुए नहीं, 75 में आजादी दिवस पे 75 आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले हैं। 90% लोग वहीं से दवाई लेके घर वापस जा रहे हैं, बड़े अस्पतालों में नहीं जा रहे। डिप्रेशन की दवाई है, खांसी बुखार की दवाई है, ब्लड प्रेशर का मरीज है कोई, 100 के करीब उनके ब्लड टेस्ट होते हैं वहां पे, एक डॉक्टर बैठा है, फार्मासिस्ट बैठा है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है और दवाई बिल्कुल मुफ्त। अभी हमारे यहां 10 दिन, अभी 15 अगस्त को खुले थे, आज 25 है, 10 दिन में जो हमारा रिकॉर्ड है, पहले दिन सिर्फ 1500 थे क्योंकि उस दिन खुले थे, उसके बाद 3500, उसके बाद 4500, 5000, 5700, 6000, अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। हमें 2 शिफ्टों में चलाने पड़ेंगे ये मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि लोग कहते हैं जी पहली बार हुआ है किसी ने हमारी सेहत के बारे में भी सोचा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए कि छोटी सी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल में क्यों जाएं। पंजाब में हमने अभी 6 महीने हुए नहीं, 75 में आजादी दिवस पे 75 आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले हैं। 90% लोग वहीं से दवाई लेके घर वापस जा रहे हैं, बड़े अस्पतालों में नहीं जा रहे। डिप्रेशन की दवाई है, खांसी बुखार की दवाई है, ब्लड प्रेशर का मरीज है कोई, 100 के करीब उनके ब्लड टेस्ट होते हैं वहां पे, एक डॉक्टर बैठा है, फार्मासिस्ट बैठा है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है और दवाई बिल्कुल मुफ्त। अभी हमारे यहां 10 दिन, अभी 15 अगस्त को खुले थे, आज 25 है, 10 दिन में जो हमारा रिकॉर्ड है, पहले दिन सिर्फ 1500 थे क्योंकि उस दिन खुले थे, उसके बाद 3500, उसके बाद 4500, 5000, 5700, 6000, अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। हमें 2 शिफ्टों में चलाने पड़ेंगे ये मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि लोग कहते हैं जी पहली बार हुआ है किसी ने हमारी सेहत के बारे में भी सोचा।